केंद्रीय श्रमिक संगठन AIUTUC की तरफ से आपके इस बहादुरना संघर्ष को सलाम पेश करता हूं। सरकार की हजारों बाधाओं के बावजूद आज जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने आप इकट्ठा हुए हैं। सरकार के उस बिल के खिलाफ जो पार्लियामेंट को धक्का बताकर बिजली बिल को संशोधित करके कॉरपोरेट घरानों को देने की जो चाल जो योजना बनाई है और उसके खिलाफ एकजुट आवाज बुलंद करने के लिए आप इकट्ठा हुए हैं। अभी दो दिन पहले इस देश के संघर्षशील किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के ऊपर जो कोरोना पीरियड में मोदी की सरकार ने कॉरपोरेट घरानों को खेती देने के लिए मंडी देने के लिए जो तीन कृषि कानून काले कानून पास किए थे, हम जानते हैं कि एक दिन सुबह 19 तारीख को 8 बजे मोदी सरकार ने रेडियो से कहा कि मैं काले कानून वापस लेता हूं। हमारे किसानों ने एक साल तक उस काले कानूनों के खिलाफ दिल्ली के चारों तरफ फिरंडियों के ऊपर बोर्डरों के ऊपर टाटा बिरला जिंदा बदानी अंबानी के हाथ में देकर कॉरपोरेट घरानों के हाथ में देकर ये जो बिजली जो एक असेंशियल चीज है जरूरत चीज है जैसे ऑक्सीजन के बगैर हम सांस ले नहीं सकते इसी तरह से आज बिजली हमारे जीवन से जुड़ चुकी है। चाहे दुकानदार हो कर्मचारी हो चाहे किसान हो मजदूर हो श्रमिक हो उस आवश्यक बिजली को जिंदगी से जो जुड़ चुकी है उसको मुनाफा की चीज बनाने के लिए कॉरपोरेट घरानों को दिया जा रहा है। आप जानते हैं 2003 के अंदर नया कानून बिजली कानून आया और उसके तब भी बीजेपी की सरकार थी और उसमें 50% बिजली पैदा करने का प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। अब वो प्राइवेट कंपनियां जो बिजली पैदा कर रही है वो प्रांत की सरकारों के ऊपर दबाव डाल रही है कि तुम हमारी बिजली महंगे रेट के ऊपर खरीदो। 80% बिजली के रेट इसी तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये है कि आज ये सरकार कॉरपोरेट घरानों को तमाम चीज दे रही है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक संविधान के मुताबिक ये बिजली कंकरेंट आइटम है समवर्ती सूची में आता है। केंद्र को भी पावर है और स्टेट को भी पावर है परंतु इस बिजली बिल के माध्यम से केंद्र की सरकार स्टेट को एक तरफ करके तमाम बिजली के ऊपर पैदावार के ऊपर उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ट्रांसमिशन के ऊपर जनरेशन के ऊपर तमाम पे केंद्र सरकार अपना कब्जा करना चाहती है। बिजली के ऊपर अपना कब्जा करके
केवल बात इतनी नहीं है, ये सत्ता की पावर को भी केंद्र करना चाहती है। दोनों तरह की पावर, सत्ता की पावर और बिजली की पावर, दोनों को केंद्र सरकार अपने कब्जे में लेकर कॉर्पोरेट ग्रहणों के हाथ, इस देश की पूंजीवादी व्यवस्था के हाथ, इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों को उनकी गुत्थी उनके हाथ में देना चाहती है। इसका विरोध करना जरूरी है। ये देश मोदी का नहीं है, ये देश टाटा बिरला अडानी का नहीं है, ये देश देश की जनता का है, ये देश कर्मचारियों का है, ये देश इस देश के कमेरों का है।